रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज मुमरा रेलवे स्टेशन स्थित शैलेश नगर के इलाके में एनसीपी के महाराष्ट्र महासचिव सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब के कार्यालय पर वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 45 साल से ज्यादा लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन दिया गया, जिसमें 300 लोगों ने वैक्सीन लिए। मुमरा कौसा शहर में लोगों को वैक्सीन की सहूलत दिलाने के लिए जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सहूलत मिले। कोविड पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है, जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं। आइए जानते हैं वैक्सीन लगाने के लिए जो लोग आए थे उन्होंने क्या कहा। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए रणभूमि न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कॉर्पोरेशन का, जो उन्होंने भाई साहब को ये वैक्सीनेशन दिए और भाई साहब ने इसको अपने लेटर पे मांगे है और उन्होंने दे दिया गया। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यहाँ के जो लोग इतनी दूर जाके जो लेते थे एमएम वैली में, जो पैसा जो खर्चा आता था एक एक फैमिली को कम से कम 100-150 रुपया, इतनी लंबी लंबी लाइन, ये सुविधा को देखे बहुत अच्छी सुविधा मिली हमको। तो 300 वैक्सीनेशन मिली है भाई साहब को और अभी तक 100-125 हो चुके हैं अलहमदिल्ला। और नीचे टोकन हमने पहले एक दिन पहले बांट दिए, एक्चुअली 300 टोकन जो है ना हमने कल पूरे बांट चुके हुए। जी हाँ, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अभी पिछली बार जो हमने यहाँ कैम्प लिया था ना, तो उसमें कहता था कि हमारे कौसा के लोग भी आए थे, कुछ बाहर से भी लोग आए थे, लेकिन इस बार हमने ये किया है कि यहाँ पर ही लोग लिए, सिर्फ इसी एरिए शैलेश नगर, उदयनगर, फेमस और कॉलोनी के लोगों को। अभी नेक्स्ट भाई साहब का टारगेट है कि कॉलोनी में लेने का। जागरूकता कैसे आप कह रहे हैं कि नज़र नहीं आई? ये जागरूकता ये ना कि हमने 300 टोकन बांट दिए नीचे और 300 लोग एक्स्ट्रा खड़े हैं, तो ये 600 लोग जो खड़े हैं तो किस लिए खड़े हैं? आप बुरा मानिए, कुछ सोशल मीडिया के लोगों की वजह से ना जो एक वीडियो चलाते हैं कि ये वैक्सीनेशन लेने से आदमी इतने दिन में मर जाएगा, इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है, इसका ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो वो लोगों को डर देख जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी का जिगरा हो, कोई लोग डरने वाले लोग ज़्यादा लोग हैं, हर किसी को अपनी जान की फिक्र होती है, तो जान की वजह से लोग नहीं ले रहे। अभी एक्चुअली ऐसा है कि इनको अपील क्या करना, सभी लोग को मालूम है और सभी लोग सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप पे, फेसबुक से, हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो इनको कोई जागरूकता देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया कि गवर्नमेंट हर जगह पे ना उसको पाबंदी लगा दी, ट्रेन में सफ़र करना है तो लेना है, एयर फ्लाइट से अगर कोई जाना है डोमेस्टिक इंटरनेशनल तो भी जान लेना है, मॉल के अंदर शॉपिंग करने जाना तो लेना है, और जॉब पे जा रहे हैं जॉब पे तो वहाँ पर सेठ लोग भी बोलते हैं कि वैक्सीनेशन लाओ तो जॉब पे आओ, तो अब मजबूरी हो गया तो लेना ही है हर किसी को, कोई जागरूकता की वाली बात ही नहीं है, अब मजबूरी में भी लोगों को लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन कैंप का ये आज का जो माहौल है, ये भाई साहब की सरपरस्ती में, जो भाई साहब यहाँ ना होते हुए भी इंशाल्लाह हम लोगों ने ये कैंप का इनेकाद किया है। और मेरा तो बोलने का कुछ ऐसा मसला नहीं था, लेकिन भाई साहब ना होते हुए मैं बोल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप 300 लोगों का कैंप है, जिसमें से अभी मेरा ख्याल तकरीबन 125-130 टोकन चालू है और बाकी जो लोग हैं वो मंडप में बैठे हुए इंशाल्लाह वो भी तकरीबन 2-3 घंटे तक के ख़त्म हो जाएगी। 45 साल से ऊपर वाले लोगों को लगा है, जिसमें 300 लोगों को इनेकाद किया गया। ज़रूर ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों में जागरूक पैदा करने वाली चीज़ है। हर जगह हर इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, जैसा ट्रेन हो, ऑफिसेस हो, बसेस हो, यानी दीगर जितने भी अब कितने लोग हैं, क्या है, काम है, धंधा है, सब बता तो सकते नहीं है कि कितने लोगों को लग रहा है करके, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरत की चीज़ हो गई आज के दौर में। हाँ, हमारी लोगों से अपील है कि मतलब जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कोरोना टीकाकरण की मैं, क्योंकि यह वैश्विक बीमारी मतलब जो कोरोना फैल रही है, इस पर कहीं कहीं रोक लगाने के लिए कारगर साबित होगी। इसके लिए लोग अगर कहीं नौकरी पर हैं या कहीं पर बिजनेस में हैं, तो इसको समय निकाल करके ये टीका जरूर लगवाएं और दोनों डोज लें, क्योंकि मतलब जैसे कि कई उसमें सरकार द्वारा इसको मतलब अनिवार्य भी कर दिया गया है कि जैसे अभी अगर जो नहीं टीका लगवा पाए हैं वो रेलवे वगैरह में उनको पास नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो अगर अभी लोग पछता रहे होंगे जिन्होंने नहीं लगवाया कि अगर मैंने पहले लगवाया होता तो अपने को ट्रेन में जाने का अवसर मिलता था, तो उस हिसाब से जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो तो चलो एक उसकी बात होगी, लेकिन लोगों को अपने खुद को और अपने परिवार के साथ टीकाकरण की इस मुहिम में
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और राकापा प्रदेश महासचिव सचिव सैयद अली अशरफ भाई साहब ने की तरफ से लगातार मतलब उनके मार्गदर्शन में शहर में और जगह पे इस तरह के टीकाकरण के आयोजन हो रहे हैं। तो अभी आज उनके खुद के ऑफिस में शैलेश नगर स्थित कार्यालय में भी शिविर का आयोजन किया गया है। तो लोगों से अपील है कि इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और टीका जरूर लगवाएं। नहीं, इसमें डर की कोई बात नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि इससे जो है बीमारी जो है अगर आने वाली होगी तो वो भी रुकेगी, और अगर आपको कोरोना होता भी है तो मेजर जो है इफ़ेक्ट नहीं डालने देगी, और ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए ये वैक्सीन। मैं तो लोगों से यही अपील करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके छुट्टी करके टाइम निकाल करके ये वैक्सीन ज़रूर लें। कैसे कोरोना बहुत तेज़ी से पांव पसार रहा है उसको देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलर्ट है, और उसी के मद्देनज़र जगह जगह पर कैंप लगवाकर हर एरिया में जो है वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज़ी से सरकार करा रही है, तो लोग उसका फ़ायदा उठाएं और इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। वालेकुम। ये जो कैंप हो रहा है ना बहुत सही रीत से हो रहा है। क्या होता है मालूम है, बहुत से बुज़ुर्ग लोग हैं ना म्यूनसिपालिटी में जाने के लिए कतराते हैं, बोलते हैं वहाँ तक कौन जाएगा, ये होएगा। तो जो एरिया में कैंप होता है तो उस बिल्डिंग के आजू बाजू वाले हैं ना ताबड़तोब उतर जाते नीचे, उतर के ताबड़तोब अपना वैक्सीन ले लेते हैं, पहला लेवे दूसरा लेवे जो भी लेवे पहला आके अपना काम कर लेते हैं। अगर उनको म्यूनसिपालिटी में जाने बोलो तो उन लोग कतराते कि यहाँ से उतरो वहाँ तक कैसा जावे। तो ये जो कैंप लगते हैं ना बहुत सही रीत से लगते हैं, तो इसका बहुत उपयोग होता है आदमी लोगों को और औरतें लोगों को, ज़्यादा करके बुज़ुर्ग औरतें रहती ना वो उतरने के लिए बहुत कतराती है, तो यहाँ के यहाँ होता है ना तो आदमी उतर के कर लेता है। जागरूकता तो आ गई है, अब जागरूकता आ गई है, फिर भी जो नहीं समझते हैं उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन के साथ साथ तुमको जो रजिस्टर्ड हो जाता है कि भाई पहला दूसरा डोज हो गया, तुम ये मत सोचो कि हम दोनों डोज ले लेंगे तो हमको ट्रेन में जाने मिलेगा, हमको वो जाने मिलेगा, ये सब मत सोचो। वैक्सीनेशन इसके लिए है कि ताकि तुम कोविड से बच सको, अगर आगे जाके कुछ और बीमारी आए तो वो भी इससे बच सकते हो तुम, इसलिए कोविड से बचने के लिए ये वैक्सीन हो। ऐसा मत सोचो कि मुझे ट्रेन में जाना है तो मैं दो डोज ले लेता हूँ, एक डोज ले लेता हूँ फिर दिखा दूंगा कि भाई एक डोज लिया है, अभी तो 84 डेज बाकी है मेरे को, ये सब मत करो। वैक्सीन लो, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन लेने से कोविड लगने से तुम बच जाते हो।